कल हम लोगों ने ये चैप्टर एंड किया था एंड तो नहीं किया था उसका शायद थोड़ा बहुत पोर्शन अभी पेंडिंग था यहाँ पे थे हम जी और हम ये देख रहे थे कि जो स्केलेटल मसल होते हैं उनमें बकायदा बैंड्स होते हैं और ये जो है स्केलेटल मसल का पोर्शन इसके जो एक बहुत बेसिक यूनिट है उसको मायोफाइबर कहते हैं मैं भी आपको बनाकर दिखाती हूँ कि मसल फाइबर कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये स्केलेटल मसल और इसके कितने कंपोनेंट्स हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ मसल प्रोटीन अब आपके जो मसल है ये दो प्रोटीन के बने हुए हैं एक्टिन एंड मायोसिन विद इन द मायोफाइब्रिल ये जो मायोफाइब्रिल आपने सब यूनिट देखा इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलाेंट है एक्टिन और मायोसिन को तो थिक और थिन फिलामेंट भी कहते हैं एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है और मायोसिन थिक फिलामेंट है मायोसिन अक्कर थिक फिलामेंट एंड एक्टेन एज थिंग फिल्मेंट ये जो डिफरेंस है थिक और थिन का ये आपने जरूर माइंड में रखना है ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है पीपीएससी के भी जो बायो का मेरा इंटरव्यू था लेक्चरशिप का उसमें मुझसे पूछा गया कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिक एंड थिन फिलाेंट्स सो so, इस फिगर में ये आपको बता रही है ये फिगर की द लाइटेस्ट रीजन जो है माओफाइब्रल का वो आई बैंड कहलाता है क्योंकि आई का वर्ड आई सो ट्रॉपिक से निकला है

Uh, from one Z Z Z line line. line, to to another Notice that actin filament filament attached whereas myosin filament do not. बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एक्टिन और मायोसिन फिल्मेंट जो है वो स्लाइड पास करती हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कहता है कि जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है अः तो एक्टिन फिलामेंट लाइन के साथ अटैच होती है लेकिन मायोसिन नहीं होती है। तो ये बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर है फिजियोलॉजी है, तो ये इस तरह का मुश्किल एमसीक्यू आने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब सार्कोमेर करता है और सार्कोमेर क्या है एक बेसिक फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मायोफाइब्रिल का जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास करती है स्लाइड पास का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस करके आमने सामने आ जाती है दैट एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास द मायोसिन फिलामेंट एज अप्रोच वन अनदर जैसे भी एक दूसरे के करीब आती है इसके नतीजे में ये आप लोगों में मुझे कोई कॉल कर रहे हैं अनम फरा एंड सन्ना आ, क्या आप लोगों में से मुझे कोई कॉल कर रहे हैं नो मैम नो मैम नहीं मैम ठीक है तो व्हेन अ सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड पास द मायोसिन फिलामेंट एज दे अप्रोच वन अनदर दिस इस इस प्रोसेस के नतीजे में जब सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है दोनों फिलामेंट एक दूसरे को स्लाइड पास करती हैं इस प्रोसेस की वजह से सार्कोमेर शॉर्टन हो जाता है या छोटा हो जाता है the combined decrease in length of individual account और जब बहुत सारे करते हैं, तो वो छोटे होते हैं और ये सारे का सारा जो कंबाइंड है इसकी वजह से आपका मसल करता है। अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ तो आपने याद रखना है कि इफ द मसल इज कॉन्ट्रेक्टेड इट मीनस दैट ऑल दार्कोमेयर आर कॉन्ट्रेक्टेड और शॉर्टन एंड कंबाइंड शॉर्टनेस डिक्रीज़ डिक्रीज़ इन लेंथ करती है। अब ये जो है ना ये एक मॉडल आपके सामने दिया गया है दिस मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल मसल की कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर ये मॉडल पेश किया गया अः uh, और इस मसल में आप देख रहे हैं कि ए जो है सार्कोमेर इन रिलेक्स पोजिशन अब ऊपर यहां पर आप देखे सार्को रिलैक्स है मतलब एक्टिन और मायोसिन फिल्मेंट्स जो है वो अपनी अपनी जगह पर है यही दरमियान में जो पिंक किसने दिखाई हुई है ये एक्टिन फिलाेंट्स है और जो ब्लू दिखाई हुई है वो मायोसिन फिल्मेंट्स है सॉरी ये पिंक जो दरमियानी है ना ये मायोसिन है और ब्लू बारीक जो है ये एक्टिन है क्यों क्योंकि इनका मतलब ये है एक्टिन थिन मायोसिन थिन अब ये रिलैक्स कंडीशन की ये बात है लेकिन ये पूरी जो कंडीशन है ना ये सार्कोमेर है ये पूरा स्ट्रक्चर सार्कोमेर का है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल तो फिर इस तरह ये है कि एक्टिन एंड मायोसिनफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर वो बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आ गई है अः एज दार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट द मायोसिनफिलामेंट फॉर्म अटैचमेंट तो ये भी आपने याद रखना है कि जब सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिलामेंट एक अटैचमेंट बना लेती है उस अटैचमेंट को कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस यानी कि यहां पर आप देखें कि इन्होंने ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें आप देखें कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो है वो उन्होंने आपस में कनेक्शन बनाया है जिसको कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस क्रॉस ब्रिजेस

ये सारा प्रोसेस इधर भी लिखा हुआ है और मैं इसको रीड करना इसलिए जरूरी समझती हूँ क्योंकि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वेन मोटर नर्व कंडक्ट नर्व जब आपके मसल को पैगाम मिलता है कि उसे कॉन्ट्रेक्ट करना चाहिए द फाइबर आर टू कॉन्ट्रैक्ट मोटर यूनिट अब मोटर यूनिट क्या है अ मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन मोटर नर्व फाइबर एंड ऑल द मसल फाइबर अब मोटर यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो एक नर्व फाइबर है जो आपके ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही है और वो मसल फाइबर्स को बता रही है कि आपको uh, करना चाहिए की जो membrane है, जिस तरह आपके सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है सार्कोलीमा सार्कोलीमा ठीक है ये आपने याद रखना है सार्कोलीमा द मोटर एंड प्लेट इज द स्पेशन ऑफ द सार्कोलीम ऑफ असल फाइबर एक पोर्शन लगा हुआ है जिसको मोटर एंड कहते हैं दिस अरेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर और ये जो एक पूरा अरेन्जमेंट है जिसमें नर्व और मसल उन्होंने मिलकर अपने कनेक्शन तैयार किया हुआ है इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और क्लेफ्ट ये इंपॉर्टेंट चीज है ये आपने याद रखनी है के एक तो मसल फाइबर की को कहा जाता है उसके अलावा मोटर यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो एक नर्व फाइबर रखता है और तमाम मसल फाइबर रखता है तो ये जो जब एक नर्व फाइबर और तमाम मसल फाइबर आपस में जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या क्लेफ्ट वे नर्व इम्पल्स रीचेज द

यूज uh, होने वाला या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला न्यूरो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड यानी पैरि में ज्यादा न्यूरॉन इसके थ्रू जो है ना आपस में सैन बनाते हैं

ज्यादा है और इनसाइड उसकी नेगेटिव है वैन एसिटाइल कोलिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है तो आयन रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों साइड्स पर और पोलैरिटी चेंज हो जाती है दिस अल्टर्ड पोलैरिटी फ्लोस इन अ वेव लाइक प्रोग्रेशन इनटू द मसल फाइबर बाय कंडक्टिंग पाथ्स कॉल्ड ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह पोलैरिटी चेंज होती है सार्कोलीमा की और किस तरह कंडक्ट होती है पाथवे और इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पूरे मैकेनिज्म को ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के साथ एक और आपका ऑर्गेनि जुड़ा हुआ है जिसको आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको अगर मसल के सेल के अंदर बात की जाए तो इसको उधर सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं तो आप देख रहे हैं कि जहां पर भी मसल्स के बारे में बातें हो रही हैं वहां पर सारको कवर्ड जो है ना जैसे सारकोमेयर सारकोलेमा सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इस तरह आपने माइंड में रखना है तो हम ये देख ये देखते हैं या हमें ये पता होना चाहिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस क्या है तो तकरीबन ये सेम है सिर्फ एक प्रोटीन की कमी है डिफरेंस uh, है द द द अल्टर्ड पोलैरिटी ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कॉज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम आयन तो ये याद रखना है आपने यहाँ पर ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि मसल कॉन्ट्रेक्शन के अंदर कौन सा आयन मेन रोल प्ले करता है तो वो कैल्शियम आयन है जो आपका मसल uh, कॉन्ट्रेक्शन के दौरान या उसकी फिजियोलॉजी में या जब सार्कोलीमा की पोलैरिटी अल्टर होती है तो ट्रांसवर्स किस आयन को रिलीज करवाती है कैल्शियम आयन को जो कि फिर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है और इस तरह जो है वो मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसमें आपने ये टर्म्स याद रखनी है जिनमें सार्कोमेर क्या है आ, एक्टिन मायोसिन थिक और थिन फिलामेंट्स क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये पेश किया गया एक्टिन द मूवमेंट ऑफ एक्टिन इन रिलेशन टू मायोसिन यानी एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के साथ रिलेट करके मूव करना स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहलाता है अर चिट मेकेजम बिटवीन टू फिलामेंट टाइप प्रोड्यूस एक्चुअ और ये जो मूवमेंट है ये

और वो जुड़ते किस चीज के जरिए हैं क्रॉस ब्रिजेस के जरिए वंस क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म दे एक्सर्ट फोर्स ऑन थिन एक्टिन फिलामेंट एंड टू मूव। और जब क्रॉस ब्रिजेस बन जाते हैं तो फिर वो एक्टिन uh, पर जोर डालते हैं जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड जो है आपको नजर आता है ये मैंने कुछ एफ के पेजेस भी रखे हुए हैं इसलिए जो है वो आपको ये ज्यादा नजर आ रहा है I think इस चैप्टर का यहां तक ही था अब मैं आपको ये ही चैप्टर प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है एफ एस लेवल पर पढ़ाती हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपने देखा है कि स्किन किस तरह की होती है उसके अलावा मसल कॉन्ट्रेक्शन क्या है हड्डियाँ आपके स्केलेटन में कौन कौन सी चीजें हैं आपके अंदर या एनिमल किंगडम में स्केलेटन कौन कौन से पाए जाते हैं ठीक है इनवर्टिब्रेड का स्केलेटन कौन सा है का कौन सा है तो इस कॉन्सेप्ट को हम एफ एस सी के अंदर से जरा स्टडी करते हैं फिर हम आगे चलेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट तो ये बात आपको पता है कि एनिमल और प्लांट को क्यों सपोर्ट चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट

प्लांट uh, जो है वो प्लांट अपनी जगह पर uh, रहकर वो थोड़ी बहुत मूवमेंट तो शो करते हैं यू कैन से वो 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 अपने उनके जो जो पार्ट्स हैं हैं अपना ग्रोथ भी भी करते वो किसी स्ट्रक्चर के आसपास है है लग जाता पौधा लग जाता है जैसे स्पेशली आपकी बे, बेलें होती हैं uh, लेकिन पौधा अपनी जगह तो चेंज नहीं कर सकता तो ये मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल का बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी Uh, अब प्लांट के अंदर कौन से वाले सेल हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है जो आपके प्लांट्स के अंदर तीन सेल्स हैं उनमें कोलन कायमा पेरन कायमा और सक्लेरन कायमा ये तीनों सपोर्टिंग सेल्स हैं जो प्लांट को डिफरेंट तरीकों से सपोर्ट करते हैं जिनमें वो कहता है कि कोलन कायमा जो है आ, कोलन कायमा सेल इन प्लांट गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी जब प्लांट अभी ग्रो कर रहा होता है जब बहुत छोटा होता है तो छोटे प्लांट को या बेबी प्लांट को सपोर्ट कौन देता है कोलन कायमा सेल और सक्लेरन कायमा सेल जो है ये फिर बड़े पौधे को बड़े दरख्त को या एक मेच्योर प्लांट को ये डिफरेंस आपने याद रखना है कोलन कायमा गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट सक्लेरन कायमा गिव सपोर्ट टू द अडल्ट प्लांट तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फिर पेरन कायमा का क्या काम है तो वो भी हम देखते हैं कि इन एनिमल मसल कार्टिलेज एंड बोन्स लेकिन अगर हम ये तो पौधों की बात है अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों में कार्टिलेज और बोन्स ये दोनों काम कर रही हैं जो कि पौधों में कोलन कायमा और सकलैरन कायमा कर का रहे हैं दे एनेबल टू मूव और आप लोग अगर मूव करते हैं आप लोग हरकत अगर करते हैं तो वो बोन और कार्टिलेज की बेस पर करते हैं आप लोग अपने आप को डेंजर से बचाते हैं शेल्टर के अंदर रखते हैं अपनी फूड की तरफ जाते हैं ड्यू टू तो योर कार्टिलेज एंड बोन सपोर्ट एंड प्लांट यू आर फेमिलियर विद्ड ऑफ प्लांट लाइक स्टेम रूट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू गिव सपोर्ट

वो रूट्स की चीजों को आगे शूट के पार्ट्स को देती है लीव्स को देती है ब्रांचेस को देती है फ्लावर्स को देती है फ्रूट को देती है तो स्टेम जो है वो एक सप्लाई लाइन है आ, लेकिन स्टेम के अंदर कई तरह के सेल हैं जो कई तरह के फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं सबसे पहले पेरन कायमा सेल है पेरन कायमा सेल का क्या काम है कि ये प्रोवाइड करता है टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट और पेरन कायमा जब पानी प्लांट सेल के अंदर मूव कर जाता है तो उसकी वजह से प्लांट के सेल में एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसको आप कहते हैं टर्गर प्रेशर ये पूछा गया क्वेश्चन है किसी पेपर में टर्गर प्रेशर के बारे में आपका प्लांट सेल जो है वो रिजिड हो जाता है और रेजिस्टेंट हो जाता है बेंडिंग से इसकी वजह से आपका प्लांट आपको स्टैंडिंग पोजिशन में आपके लीव आपको इरेक्ट पोजिशन में मिलते हैं और अगर आपके प्लांट के सेल में से पानी अवेपोरेट कर जाए या लूज हो जाए या निकल जाए तो आपकी जो टेनिया है जो आपकी हर्बेशियस स्टेम्स है वो विल्ट कर जाती है विल्ट का मतलब है मुरझा जाना क्योंकि उनमें से टर्गर प्रेशर कम है तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द पोजीशन और इरेक्टनेस ऑफ द लीफ तो आप कहेंगे टर्जिडिटी और टर्गर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट उसके बाद वो कहता है कि कॉलन कायमा सेल जो है कॉलन कायमा की हम बात करते हैं जिसकी हमने पहले की कि ये बेबी प्लांट को सपोर्ट देता है एंड जाइलम टिश्यू अब ये भी याद रखिएगा कि जो आपके प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है और और में में लिगनी फाइड, लिगनी फाइड का मतलब है वो एक कंपोनेंट है जो प्लांट की सेल वॉल का एक मेजर कंपोनेंट है जो उसको रिजिडिटी देता है गिव सपोर्ट टू द प्लांट इन मोस्ट टेरिस्टियल प्लांट मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज बाय विंड सो दैट स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग तो आपको पता है कि जो आप ये एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो खुश्की पर रहने वाले पौधे हैं उनको हवा का सामना बहुत ज्यादा होता है तो वेस्कुलर बंडल जो है आपके जायलम वो टफ होते हैं क्यों टफ होते हैं एंड इनएक्सटेंसिबल होते हैं ताकि वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकें बिल्कुल वैसे जैसे एक स्टील का रॉड कर सकता है कंक्रीट के अंदर दिस अरेंजमेंट एज अ रिंग विद इन द स्टेम प्रोवाइड वेरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस तो तने के अंदर वो जो रिंग्स बने हुए होते हैं जायलम के

उनकी स्टेम जरा ज्यादा मजबूत होती है सनफ्लावर की तो लॉस ऑफ वाटर अगर हो जाए प्लांट के सेल में से का मतलब है कि वाटर रिवर्स मूव करना शुरू कर दे फ्रॉम द प्लांट सेल का प्लांट और विल्ट उसकी वजह से प्लांट के पार्ट मुरझा जाते हैं प्लांट अपना ट्रिगर प्रेशर मेंटेन कैसे रखता है ये ज्यादा जरूरी बात है तो ये भी हम देखते हैं कि प्लांट अपना ट्रिगर प्रेशर कैसे मेंटेन करता है ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सके डायग्राम देखते हैं कि प्लांट के सेल के अंदर जो हम बात करें कि ये ये सेल्स होते हैं उनकी क्या सूरत है और यहां पर है हम जी ये है जी पैरन कायमा सेल आप देख रहे हैं कि पैरन कायमा सेल ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी सेल वॉल भी है वेप वैक्यूल न्यूक्लियस आइटोप्लाजम ये आपके कोलन कायमा सेल हैं, जो आपके बेबी प्लांट को सपोर्ट करते हैं और आप देख रहे हैं कि कोलन कायमा में पैक्टिन मौजूद है पैक्टिन भी सेल वॉल का एक कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज हैमी सेल्यूलोज पैक्टिन और लिग्निन ये चीजें बड़ी मौजूद होती हैं उसके अलावा यहां पर आपको नजर आ रहा है सक्लैरन कायमा फाइबर जिसके बारे में उसने आपको कहा है कि ये कुछ पौधे हैं जैसे सनफ्लावर हो गया उनके अंदर एडिशनल uh, स्ट्रेंथ के लिए सक्लैरन कायमा फाइबर है जो के बंडल कैप बनाते हैं और इनके अंदर लिग्निन होता है लिग्निफाइड और ये सक्लैरन कायमा है, ये भी हम देखते हैं कि ये किसके अंदर होते हैं सक्लैरन कायमा बड़ा एक टफ uh, और रिजिड सेल है जो प्लांट के एडल्ट को जो है ना वो सपोर्ट करता है तो ये इनके स्ट्रक्चर है यहां पर लिखा हुआ है कि टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है इज जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल क्योंकि सेल वैक्यूल जो है उसके अंदर क्योंकि वो फुल ऑफ वाटर होता है जब वो फुल ऑफ वाटर होता है तो टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है द मेम्ब्रेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो कि मैंने भी दो पेपर में देखा जो आपका प्लांट सेल का वैक्यूल होता है ना उसकी वैक्यूल की अपर मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोनोप्लास्ट तो ये भी पूछा जाता है ये आपने याद रखना है क्योंकि आपका जो प्लांट सेल है फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल जो आपका है उसमें हम देखते हैं कि इफ दिस इज़ योर प्लांट सेल एंड दिस इज योर वैक्यूल देन जो आपकी ये वेक्यूल की मेम्ब्रेन है ना वैक्यूल की मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट ठीक है uh, ये बड़ा हेल्प करती है टर्गर प्रेशर को करने में, तो ये जो है, इस वेक्यूल की मेम्रेन उसके अंदर बड़े एक्टिव ट्रांसपोर्ट के सिस्टम होते हैं वो पंप करते हैं आइंस को वैक्यूल में और क्योंकि वैक्यूल के अंदर बड़ी हाई कंसेंट्रेशन होती है आयंस की भी बिकॉज ऑफ हायर आयनिक कंसेंट्रेशन, वाटर एंटर द वैक्यूल एंड हेंस प्रोवाइड टर्जिडिटी मैकेनिकल सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ़ द प्लांट तो उसकी वजह से प्लांट की टर्जिडिटी है वो प्रेशर की वजह से और प्लांट के अंदर वो वाले टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो सकलेरन कायमा सेल है सक्लैरन कायमा सेल जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये क्यों इतना थिक और रिजिड है ये कैसे सपोर्ट करता है तो वो कहते हैं कि दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल जो आपको पता है कि सेल वॉल के तीन कंपोनेंट हैं प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला ये सेल वॉल तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है वो कहते हैं जो सक्लेरन कायमा सेल है उनकी सेकेंडरी वॉल बहुत ही ज्यादा थिक होती है और आमतौर पर उसमें लिगनिन और और ऑर्गेनिक एक ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है जिसकी वजह से इसकी सेकेंडरी वॉल बहुत थिक होती है जैसे इधर आपको अगर ऊपर तस्वीर में दिखाया जाए तो ये देखें कि ये जो सेल वॉल है ना सकलैरन कायमा की वो कैसे थिक थिक और मोटी मोटी सी दिखाई दे रही है क्योंकि उनमें लिग्निन बहुत ज्यादा है आ, एक बात आपने जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखनी है वो ये रखनी है कि सकलैरन कायमा जो है ये कैसा सेल है जो कि नॉन लिविंग है ये बड़े इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाकी जो प्लांट के सेल हैं जैसे पैरन और कॉलन उनको आप नॉन लिविंग नहीं कह सकते लेकिन सकलेरन कायमा क्योंकि डेड और हार्ड सेल्स होते हैं तो ये नॉन लिविंग है देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट और इनका काम क्या है uh... सपोर्ट देना प्लांट को मेन इसका ये है तो सकलैरन कायमा एक बड़ा वेल डेवलप्ड किस्म का सेल है इसको मजीद थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सकलैरन कायमा की तीन टाइप्स है जिनके नाम क्या क्या है एक का नाम है सकलैरड एक इसकी टाइप का नाम है ट्रैकिड और एक इसकी टाइप का नाम है वेसल्स मुख्तलिफ पौधों में या मुख्तलिफ नट्स में, में नट्स के जो शेल हैं उनमें मुख्तलिफ सक्लेरन कायम होते हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो कौन से प्लांट्स हैं सॉरी कौन से स्पेसिफिक वो नट्स हैं जिनके अंदर ये होते हैं तो फाइबर की बात कर लें जिनको मैंने ट्रैकड लिखा है मौजूद होते, 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 है, होते हैं और ये उसको सपोर्ट करते हैं शेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये अंदर पड़े हुए सीड को प्रोटेक्शन देते हैं जबकि वैसल जो है ये लॉन्ग ट्यूबुलर अःरन काल है जो पाइप की तरह एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं और ये जाइलम के अंदर होते हैं क्योंकि जायलम का काम है वाटर कंडक्शन और ये जाइलम के अंदर इनकी जरूरत होती है जिनमें ये इस तरह से अरेंज होते हैं तो उसके बाद मैं अपने इसकी तरफ चलती हूँ जो नेक्स्ट इसका हो सकता है पॉसिबली यहाँ uh, यहां पे. जी ये आप देख रहे हैं फाइबर ट्रैक्ट और वैसल है ये देखिएड जो है ये सीड कोट्स ये पूछा जाता है पेपर में कि सीड कोड्स और नट शेल के अंदर कौन से वाला सक्लेरन कायमा सेल है तो आप कहेंगे सक्लैरिड जो कि शॉर्टर है फाइबर्स के मुकाबले में उसके बाद कोलन कायमा का जिक्र पहले भी किया कि प्रोटोप्लास्ट एंड यूजली लैक सेकेंडरी वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है

तो यंग स्टेम्स के अंदर पूरे इसके सिलेंडर मौजूद होते हैं कॉलन कायमा सेल्स आर एलास्टिक ये लचकदार एलोंगेटेड और विद ग्रोथ ऑफ स्टेम और लीफ जैसे जैसे स्टेम और लीफ की ग्रोथ होती है कॉलन कायमा के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं उसके बाद जी यहाँ पर है सेकेंडरी ग्रोथ ये सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ किसको कहते हैं ये भी पूछा गया क्वेश्चन है स्टेम एंड रूट ऑफन बिगिन टू थिकन आपको पता है कि जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो वो शुरू में इतना थिक नहीं होता बढ़ता बढ़ता और एक खास टाइम के बाद उसका जो स्टेम है वो आपको मोटी होती दिखाई देती है जिसको आप कहते हैं कि विड्स में यानी उसका बड़ा होना तो अगर मैं अप, अपने वर्ड्स में सेकेंडरी uh, ग्रोथ को डिफाइन करूं तो सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज इन ऑफ प्लांट प्लांट की गिर्थ का बढ़ना गिर्थ कहते हैं मोटाई या विध स्टेम की गिर्थ का बढ़ना या ज्यादा थिक होना या मोटा होता जाना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है और ये सेकेंडरी uh, है यानी बाद में होती है और इसको कौन करता है कौन से ऐसे आपके प्लांट्स में कौन से ऐसे सेल होते हैं जो कि प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं स्टेम की ये बढ़ाते हैं जी एपिकल मैरिस्टम आफ्टर देर एपिकल हैज प्रोड्यूस एम्ब्रियोनिक और प्राइमरी टिश्यू एंड इंक्रीज इन प्लांट गिरथ प्लांट की गिर्थ का मोटाई का बढ़ना वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से और कॉर्क कैम्बियम की वजह से पौधे की मोटाई का बढ़ना Uh, uh, क्या लाता है सेकेंडरी ग्रोथ द सेकेंडरी ग्रोथ इज एविडेंट इन वुडी पेरेनियल प्लांट वुडी प्लांट है पेरेनियल जो एनुअली जिन पर फल लगते हैं उनके अंदर वाजिया है लाइक ट्री श्रब और वाइन वाइन बेल को कहते हैं ट्री बड़े दरख्त और श्रब थोड़ा छोटी हाइट का दरख्त या थोड़ा लेस देन अ ट्री सेकेंडरी ग्रोथ अक्कर स्टेम की मोटाई क्यों बढ़ती है जब उसके सेल डिवाइड करते हैं और सेल किस चीज के सेल डिवाइड करते हैं कैम्बियम कैम्बियम और इनके सेल जब डिवाइड करते हैं तो स्टेम की मोटाई बढ़ती जाती है जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम एक ऐसा है जो अपियर होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल बिटवीन क्योंकि वेस्कुलर बंडल आपको पता है तो जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं तो वेस्कुलर कैम्बियम एक ऐसे सेल है जो जाइलम और फ्लोएम में मौजूद है

एक गोलाई में एक तय बनती है सेकेंडरी ये आप समझिए कि एक स्टेम है तो इसमें सेकेंडरी सेकेंडरी फ्लोइम प्राइमरी प्राइमरी फ्लोइम और दरमियान में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसकी वजह से तने की मोटाई बढ़ती चली जाती है द सेकेंडरी मोस्ट ऑफ द ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ज्यादातर जो तने की मोटाई है वो सेकेंडरी जायलम की वजह से होती है

ये रिंग्स जो है, इनको रिंग्स का नाम दिया जाता है रिंग्स और ये अगर किसी की दरख्त की उम्र का अंदाजा लगाना हो कि इस दरख्त की कितनी उम्र है तो उसके स्टेम के अंदर से इन रिंग्स को काउंट किया जाता है क्योंकि ये एक रिंग एक साल में बनता है तो इसलिए जितने रिंग्स हों फिर उस बात का इजीली अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने साल पुराना ये दरख्त है

in most trees the conduction of water and dissolved substances by secondary xylem become limited to the outer or younger portion of that tissue kuch drakhton mein dekha gaya hai ki secondary xylem ki conduction of water and dissolved substances limited ho jati hai As tree जिस तरह जिस तरह दरख्त पुराना होता चला जाता है उसके कुछ जो ये annual rings है ना ये अपना काम छोड़ देते हैं फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स आर एक्टिव तो बहुत चंद है जो एक्टिव होते हैं कुछ जो है वो मर जाते हैं एट वन टाइम तो ये अपने इस, इसके बारे में term use की जाती है एक्टिव और पोर्शन uh, uh, है स्टेम के तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये एक स्टेम है और मैं यहाँ पर मुख्तलिफ कलर के बना देती हूँ हम कहते हैं कि ये ग्रीन जो है ये एक्टिव है और हम कहते हैं ये जो रेड जो है ये इनएक्टिव है तो इस तरह से ग्रीन एक्टिव हो गए और रेड जो है वो आ, एक्टिव हो रेड हो गए ग्रीन ग्रीन एक्टिव रेड राइट आ, तो इस तरह से ए, कुछ पोर्शन क्योंकि ओल्ड ओल्डनेस की वजह से एज की वजह से अपना काम सही नहीं कर पाते तो अब मैं कहती हूं कि इनमें जो ग्रीन है जिनको मैं एक्टिव कह रही हूं इनको कहा जाता है द एक्टिव पोर्शन ऑफ स्टेम इज कार्ड सैप वुड इज कार्लवुड और जो डेड पोर्शन है जो अब कंडक्शन के काबल नहीं है उसको कहा जाता है हार्ट वुड हार्ट वुड राइट ये डिफरेंस याद रखिएगा इन एक्टिव पोर्शन इज कार्ड हार्ट वुड इन मोस्ट स्पीशीज द हार्ट वुड एक्मलेट और ये जो हार्ट वुड है जिसको हम कह रहे हैं कि ये डेड पोर्शन है बहुत सारे पौधों में ये कहा जाता है कि ये क्यों डेड हो जाता है क्योंकि ये कई वैरायटी ऑफ केमिकल्स अपने अंदर ये खेच के रख लेता है रेजिन रेजिन दे प्रोवाइड और और ये पौधे के लिए फायदेमंद भी हैं कि कोई इंसेक्ट या कोई पैरासाइट उस पौधे पर अटैक नहीं करता फॉर एग्जाम्पल इन रेड कोनीफर्स उनमें देखा गया है कि इस तरह कुछ पोर्शन डेड होता है जो प्लांट की इम्यूनिटी के लिए काम करता है तो उसके अलावा हम चलते हैं मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ प्लांट के ये स्ट्रक्चर ये है बेसिकली स्टेम का प्लांट की स्टेम का आप देख रहे हैं कि उसके अंदर ये देखें जो सबसे उसका बायर उसका पोर्शन है वो जिसको आप छाल कहते हैं उसके फौरन बाद फिर उसके अंदर फ्लोयम है फिर उसके बाद ये येलो जो है ये वेस्कुलर कैम्बियम है फिर उसके बाद ये एक्टिव है जो जो रखे हुए और फिर अंदर दरमियान में हार्ट वुड है जो इनएक्टिव है तो ये आपने तरतीब याद रखनी है इसी तरह ये आपको उसने दिखाया हुआ है एक स्टेम का स्ट्रक्चर जिसमें दरमियान में ब्राउन हार्टवुड है और साइड पे रिंग जो है वो सैप वुड है और कॉर्क उसकी आप कह सकते हैं छाल को तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये उसने एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है कि सबसे ऊपर होती है बार्क बार्क के अंदर कॉर्क कैम्बियम कॉटेक्स फ्लोयम फिर दरम्यान में आ गया वेस्कुलर कैम्बियम जिसमें से बाकायदा वाटर मूव करता है और फिर आ गई जी वुड दरम्यान जो हिस्सा है लकड़ी जिसको आप कहते हैं जो द्रख की है वो बेसिकली रखती है अपने अंदर स्प्रिंग वुड एनुअल रिंग्स जो बाकायदा मजबूत है और सेकेंडरी रायलम भी उसी के अंदर आता है और आपने देखा है इसने आपको बताया है कि प्लांट की ज्यादातर गिर जो है वो सेकेंडरी की वजह से होती है और बिल्कुल दरम्यान में प्राइमरी है जिसको बिल्कुल डीप सेंट्रल पोर्शन को पिथ कहा जाता है पिथ ये आपने याद रखना है सबसे अपर पोर्शन को कॉटेक्स कहा जाता है और सबसे सबसे इनर को पिथ कहा जाता है तो ये जो है लकड़ी का स्ट्रक्चर है या स्टेम का स्ट्रक्चर है

और आल्सो यूनाइट द ब्रांचिंग ड्यूरिंग बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग तो uh, जब आप कोई दर काट कर का कोई हिस्सा काट कर कहीं और लगाते हैं तो उसके अंदर भी कैलस uh, जो है वो काफी अच्छा रोल प्ले करता है एक प्लांट के रिप्रोडक्शन के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी एक हिस्से को काट कर किसी और जगह लगाना तो वहां से दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है uh, ग्राफ्टिंग जिसको आप कहते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने ये शुरू में कहा है कि प्लांट अपनी जगह पर स्टैटिक रहते हुए कोई मूवमेंट्स शो करते हैं थोड़ी बहुत उन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं उनकी काफी टाइप्स हैं उन मूवमेंट्स की वो आपको पता होनी चाहिए अः आ... ये येलो में लिखा हुआ है कि द वुड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीफ अच्छा ये बात ये कह रहा है कि मुख्तलिफ दरख्तों की लकड़ी जो है ना मुख्तलिफ लकड़ी की क्वालिटीज अलग होती हैं उनकी फ्लैक्सीबिलिटी अलग है डेंसिटी अलग है हार्डनेस अलग है शॉक रेजिस्टेंस अलग है कंप्रेशन स्ट्रेंथ अलग है टेक्सचर अलग है कमर्शियल यूज अलग है क्वालिटी अलग है द कमर्शियल कार्क इज ऑल्सो मेड फ्राम बार्क ऑफ ट्रीज सच एज क्यूकर क्यूकर्कसूबर एक दरख्त का नाम है इसकी छाल से कमर्शियल कॉर्क बनाई जाती है मूवमेंट इन प्लांट प्लांट अपनी जगह पर खड़े हुए दो तरह के मूवमेंट शो करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टीमूलाय एनिमल मूव इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टीमूलाय तो होता क्या है कि एक्सटर्नल चीज वो होती है जो बाहर से किसी चीज के ऊपर असरअंदाज हो जैसे लाइट हो गई टेम्परेचर हो गया अगर बाहर से लाइट जो है ना एक स्टीमुलाय का काम करती है और वो पौधे को मूव करने पर मजबूर कर देती है इसी तरह प्लांट के अंदरूनी भी कुछ फैक्टर होते हैं जो उसको मूव करने पर मजबूर करते हैं एनिमल चेंज देयर लोकेशन इन रिस्पॉन्स टू स्टीमुलस प्लांट आर फिक्स देयर दे चेंज देयर ग्रोथ प्लांट क्योंकि अपनी जगह पर फिक्स होता है तो वो लोकेशन तो अपनी चेंज नहीं कर सकता लेकिन वो अपनी सिर्फ ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लेता है प्लांट में दो तरह की मूवमेंट्स देखी गई है ऑटोनॉमिक uh, मूवमेंट्स और पैराटोनिक इनका डिफरेंस आपने याद रखना है ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं ऐसी मूवमेंट जो कि प्लांट के इंटरनल कॉजेज की वजह से होती है जबकि पैराटोनिक मूवमेंट्स वो है जो बाहर से कोई फैक्टर अगर उसको इफेक्ट कर रहे हैं या उसको उसकी मुलायम मिल रहा है एक्सटर्नल सोर्स से तो ऐसी मूवमेंट पैराटोनिक कहलाती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट को भी मजीद डिवाइड किया गया है और पैराटोनिक को भी किया गया है

The tactic movement may be positive.

प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का हल्का-फुल्का मूव करना साइक्लोसिस का मतलब है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म तो उसका मूव करना पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट है जबकि मूवमेंट दिस मूवमेंट हेल्प द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट क्यों मूव करता है क्योंकि वो उसको सपोर्ट मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में द लाइट द लाइट इन लाइट की इंटेंसिटी यानी शिद्दत और डायरेक्शन बोथ इफेक्ट करती हैं इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल तो ये है ये है ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो कि इन्फ्लुएंस को लाइट नहीं किया लेकिन मूवमेंट अंदर हुई है क्लोरोप्लास्ट ने मूव किया है सेल के अंदर और जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मूव करेगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी अच्छी होगी कीमोटैक्टिक के का मतलब है मूवमेंट इन रेस्पॉस टू स्टिमुलस ऑफ़ केमिकल स्टीमसम ये मूवमेंट ज्यादातर शो करते हैं फर्न fern, शो करते हैं और क्या करते हैं फर्न के फर्न जो है जो इनका गमीट है यानी स्पर्म है ये अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ एग की तरफ क्यों क्योंकि फीमेल का एग जो है वो कोई केमिकल रिलीज करता है उसकी वजह से स्पर्म को पता चलता है कि इस साइड पे एग है तो वो स्पर्म एग की तरफ मूव करता है द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एग इज कॉल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट तो ये भी इंटरनल मूवमेंट है क्योंकि इंटरनल कॉज की वजह से है केमिकल के रिलीज होने की वजह से तो इसको कीमोटैक्टिक कहते हैं आगे हम बात करें टर्गर की टर्गर का जिक्र मैंने पहले किया है टर्गर मूवमेंट वो है जो कि टर्गर प्रेशर की वजह से हो रही है अच्छा जी यहां पर है हम प्लांट इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्लांट और इसकी बड़ी रेपिड मूवमेंट होती है अगर आपने कभी सुना हो तो टच तो मी नॉट जो है इसको जैसे टच करते हैं तो इसके अंदर से वाटर का प्रेशर फॉरन ड्रॉप हो जाता है वाटर का प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से जो टच मी नॉट है इसके लीव जो है वो रेपिडली मूवमेंट शो करते हैं और वो बिल्कुल विल्ट हो जाते हैं झुक जाते हैं क्योंकि जो टर, टच मी नॉट का लीफ है लीफ की वो जगह जो जहां से वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ था उसको पलवे नस कहते हैं वहां पर एकदम टर्गर प्रेशर गिरता है जिसकी वजह से लीफ बिल्कुल फॉल कर जाता है या झुक जाता है इसको रैपिड मूवमेंट कहते हैं स्लीप uh, मूवमेंट क्या है बीन प्लांट एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली स्लीप मूवमेंट शो करते हैं ये जो लेग्यूमिनेसी uh, के होते हैं लोअर देयर लीव इन द इवनिंग एंड रेज देम इन द मॉर्निंग तो ये शाम के टाइम इनके पत्ते मुरझा जाते हैं लेग्यूम के फलीदार लेग्यूमिनेसी और uh, सुबह जो है ना इनके फिर स्टैटिक uh, हो जाते हैं आर नोन स्लीप मूवमेंट क्योंकि शाम के टाइम उनमें क्या होता है उनमें टर्गर प्रेशर कम हो जाता है द स्लीपिंग मूवमेंट आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन टर्गर इन द दल्विन वो हिस्सा है लीव का वो हिस्सा जिसके साथ वो छोटी सी जो एक यू कैन से लिटल पार्ट ऑफ फर्स्ट टाइम यू कैन से विद विच लीफ इज अटैच उसको पलवेनस कहते हैं द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ शूट इज कॉल्ड पलवेनस

उसके बाद आती है रैपिड मूवमेंट रैपिड का मतलब है तेजी से होने वाली द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मेमोसा और रैपिड मूवमेंट का जिक्र है तो सबसे पहले आपके माइंड में मेमोसा प्लांट आना चाहिए टच मी नॉट जिसको जैसे ही हाथ लगाते जाए उसके लीफ फोल्ड हो जाते हैं क्योंकि फॉरन टू टेक अ विड और टू फॉर द रैपिड क्योंकि रैपिडली टर्गर प्रेशर गिरता है अब आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन कि रैपिड मूवमेंट आखिर क्यों इस तरह हो रहा है कि पलवेनस में प्रेशर गिरने की वजह से फौरन से फौरन लीफ बंद हो जाता है या आप या फिर आप ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आयन इन्वॉल्व है रैपिड मूवमेंट के अंदर या मेमोसा या टच मी नॉट के अंदर जब उसको टच किया जाता है तो पल्वनस का प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ने ये शो किया है कि पोटाशियम आयन की मूवमेंट होती है पल्वेनस में से विच काज वाटर जब पोटाशियम वहां से जाता है तो वो वाटर को भी वहां से ले जाता है टू लीव बाय एक्सो ऑसमोसिस इट टेक अबाउट टेन मिनट बाद में दोबारा अगर आप उसको हाथ ना लगाए तो दोबारा दस मिनट लगते हैं उसको दोबारा रीगेन होने में तो तब जाकर लीव दोबारा अपनी असल हालत में आता है और अपनी टर्जिडिटी को रिस्टोर करता है तो आयन का जिक्र आपने याद रखना है उसके बाद है जी ग्रोथ मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ की मूवमेंट क्यों होती है वो भी इसकी इंटरनल कॉज की वजह से वो भी है ग्रोथ मूवमेंट आर ड्यू टू टू ग्रोथ ऑन साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक आपको पता है कि प्लांट में एक ही वक्त में दो तरफ ग्रोथ हो रही है एक तो स्टेम ऊपर से बढ़ती चली जा रही है दूसरा लोअर साइड पे रूट और टेंड्रिल जो है वो बढ़ते जमीन के अंदर धसते चल, चले जा रहे हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट मूवमेंटी बर्ड जो है वो बंद रहता है न्यूटेशन डिफरेंट ऑफ है ये शो करते हैं द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम स्टेम की जो टिप्स हैं वो जिग जैग फैशन में मूव करती हैं अल्टरनेट चेंजेस करती हैं अपनी ग्रोथ में स्पेशली ये वाइन्स में देखा गया है इस तरह की जिग जैग मूवमेंट को कहते हैं न्यूट्रिशन ये है जी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स पैरा टॉनिक के बारे में आपको पहले बताया कि ये होती हैं बाहर के फैक्टर की वजह से यानी एक्सटर्नल फैक्टर तो इसमें पैराटोनिक में, पैरा में है ट्रॉपिक मूवमेंट्स तो ये ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों ये जी पैराटोनिक uh, पैराटोनिक में ट्रॉपिक uh, मूवमेंट है नेस्टिक मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ट्रॉपिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का जिसका मतलब है टर्न लेना

थे थिग्मों का मतलब है की वजह से जैसे जो बेल होती है ना आपकी अगर आप लगते हैं तो आप आप इसकी है या आप जो है ना कोई भी दीवार के साथ अगर उसका हैं, तो आप, आपने कर रही हो तो ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉन्टेक्ट इनक्रीजेज एंड टेंडर और आपने अक्सर देखा होगा कि मनी प्लांट जो है उसकी बेल को ऐसे लपेटा हुआ होता है अपनी सपोर्ट के अराउंड वो लिपट जाती है कीमोट्रॉपिज्म केमिकल की तरफ लेकिन

तो वो कीमोट्रॉपिक है हाइफी का फैलना और है वाटर की वजह से मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन टू द ऑफ ग्रोथ रूट अब आपको पता है कि रूट जो है जमीन के अंदर धस्ती चली जाती है और जमीन के अंदर आपको पता है वो वाटर है तो वो उसकी तरफ जाते हैं तो इसका मतलब वो रूट जो है वो आपकी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है और ग्रोथ जो है अः वो शूट की दूर होती है पानी से तो आपकी शूट जो है वो शो करती है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म

फ्रूट बना दे उसको कहते हैं निकटी टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस इट मे बी टू अब निकटी के आगे मजीद दो फोटो और थर्मो यानी रोशनी भी उसकी डिफरेंशियल ग्रोथ करवा सकती है और टेम्परेचर भी उसकी डिफरेंशियल ग्रोथ करवा सकता है फ्लावर ओपन एंड क्लोज अब रोशनी की वजह से फूल खिलता है और बंद होता है और टेम्परेचर जो है द फ्लावर ऑफ ट्यूलिप ट्यूलिप के फूल रात के वक्त बंद हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और सुबह के वक्त वो खुलते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर लविंग है और हेप्टोनेस्टी एक थर्ड मूवमेंट है जो कि ये भी कॉन्टेक्ट की वजह से होती है ये भी की मूवमेंट बड़ी दिलचस्प है आपने सुना होगा आ, कुछ पौधे होते हैं वो कीड़ा अगर उनके करीब जाए तो वो उसको पकड़ लेते हैं उनको इंसेक्टी प्लांट कहते हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सन ड्यू भी उसकी है और पिक्चर प्लांट भी उसकी एग्जाम्पल है तो जब भी टच एक, एक, एक जो वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा है इसके करीब जैसे कोई कीड़ा जाता है ना तो ये ये फौरन बंद हो जाता है और ये कीड़े को ट्रैप कर लेता है वो जो उस पत्ते का बंद होना है उसको कहते हैं हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट वो लीफ का फौरन क्लोज कर जाना तो ये है जी आपका मूवमेंट ऑफ प्लांट्स थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेते हैं इसको 9:00 बजे तक उसके बाद मैं इसको फिर कर दूंगी क्लोज ये हमें देखना है इसमें कि प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए कौन-कौन से सब्सटेंसेस की जरूरत होती है ठीक है प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए आ, कौन कौन से सॉरी वो हमारे लिए जरूरी है क्योंकि प्लांट के अंदर जो है वो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होती है आ, उसमें नर्वस कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आ, जिसकी वजह से Role of plant growth substances. Plant do not move from one place to another like animal. However, their origins show movement which are controlled by hormone. Hormones, but a role play auxin. ऑक्सीजन uh, एक ऐसा हार्मोन है प्लांट्स में जो फोटोट्रोपिज्म में उसकी हेल्प करता है इट इज बिलीव दैट अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड इसके लिए IAA का वर्ड भी वो यूज करता है इंडोल एसिटिक एसिड इन द प्रोड्यूसेस सेल एनलार्जमेंट अनुल अ बेंड इन द ऑर्गन टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट तो अः uh, सनफ्लावर की मैं बात करूंगी यहाँ पर सनफ्लावर आपको पता है कि वो बिल्कुल सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बेंड हुआ हुआ होता है क्योंकि उसकी जो जो उसकी वो डंडी है जो स्टेम के साथ जैसे फ्लावर जुड़ा हुआ होता है वहां पर ऑक्सीजन की मिकदार जब बहुत ज्यादा होती है या अनईक्वल होती है तो फॉरन वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ मुड़ जाता है ऑक्सीजन ऑल्सो रिस्पॉसिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेवी ड्रॉप तो आप खुद देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्लांट जो रूट की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा है स्टेम की मूवमेंट को भी

रेशो बिटवीन ग्रोथ इनहिबिटर अच्छा ये ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में याद रखिये दोनों भी देखना मतलब है की लीफ की अपर सरफेस का cells का ज्यादा ग्रोथ करना वो auxin की वजह से है और हाइपोनेस्टी जिब्रालिन की वजह से है तो ये आपने हार्मोनल कंट्रोल जरूर याद रखना है प्लांट की ग्रोथ के हवाले से उसके बाद ये इसने बताया हुआ है जो कि कल हमने उधर डिस्कस किया है उसमें बीएससी की बुक में कि एनिमल की जो सपोर्ट और मूवमेंट है और एनिमल की सपोर्ट और मूवमेंट में सबसे बुनियादी जो है वो तीन स्केल्टन आते हैं ये वही बातें जो उधर हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन जो फ्लूड की वजह से होता है जिनमें हार्ड हार्ड स्केलेटन नहीं होता जैसे हाइड्रा और अर्थ तो ये हमने कल देखा था कि हाइड्रा और अर्थ वार्म जो हैं वो, uh, है वो हाइड्रोस्केलेटन रखते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखते हैं जैसे उसने यहाँ पर कहा कि जी सी एनिमून और अर्थ वॉर्म इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है इनके अंदर फ्लूड भरा हुआ होता है जिसकी वजह से इनके मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और इन uh, इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी जो है वो मूव करती है अपनी uh, uh, एनवायरमेंट uh, में यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है अल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ एलोंगेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन इन द अर्थ थ्रू द सॉइल एडेड बाय पेड सीटी अच्छा ये याद रखिएगा सीटी आर द अपेंडेजेस ऑफ अर्थ वॉर्म ना सिर्फ मसल्स की वजह से मूव करता है बल्कि अर्थ में पेड सीटी होते हैं इसके हर सेगमेंट के साथ वो भी इसकी चलने में काफी मदद करते हैं तो और उसके अलावा अगर एक्डो की बात की जाए तो ये हमने बात की थी कि इंसेक्ट्स के अंदर ज्यादातर होता है जो कि हार्ड कवरिंग है जिसको क्यूटिकल भी कहते हैं और एग्जोस्ल्टन इनर्ट होता है इनर्ट का मतलब है आप कह सकते हैं इनएक्टिव और नॉन लिविंग इट इज एक्टोडर्म तो ये भी याद रखना है कि एक्ट्रोडर्म एग्जोस्ल्टन रिलीज करती है और ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है एपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल एग्जो इसको कौन पैदा करता है एक्टोडर्म इसकी दो लेर्स है एपीक्यूटिकल और दूसरी इसकी लेयर है प्रोक्यूटिकल एपी मीन अब सबसे ऊपर वाली लेयर ये बनी हुई होती है वैक्सी प्रोटीन की इट इज इमपरमिएबल ये किसी चीज को अंदर नहीं जाने देती द बल्क ऑफ एग्जोस्केल्टन इज बिलो द और ज्यादातर जो एग्जोस्केल्टन है वो एपी से नीचे पाया जाता है जिसको आप कहते हैं प्रो ये ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये मुझे एक दफा पूछा था किसी पेपर में

क्योंकि इस के दौरान उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जमा होकर स्केल्टन को हार्ड बनाता है तो सबसे साधा जो एग्जो स्केल्टन है वो मुलस्का का है जिसके अंदर दो पीसेज है सम मेरी और स्नेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स के बने होते हैं द शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लैक द हार्ड मिनरल आ, लेकिन जो लैंड स्नेल का उसमें हार्ड मिनरल नहीं होते बड़ा हल्का हल्का सा शेल होता है मुलस्का का शेल जो है वो बड़ा होता जाता है जैसे एनिमल ग्रो करे और उसकी आ, मुलस्का की जो शेल है जिसको आप सिटी भी कहते हैं उसके ऊपर आपको बाकायदा रिंग्स नजर आते हैं जो उसकी ग्रोथ रिंग्स एंड सॉफ्ट पॉट अच्छा ये याद रखिएगा कि एक ऐसा फ़ाइलम है जिसके अंदर एक ही वक्त में एग्जोस्केलेटन भी मौजूद है और हाइड्रो भी मौजूद है अगर वो ऊपर से अपनी शेल उतार देता है तो फिर उस वक्त वो अपना हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इस्तेमाल करता है प्रेडेटर से बचने के लिए तो मुलास्का के बारे में ये याद रखिएगा उसके बाद है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एसग्र आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है इंसेक्ट्स में पाया जाता है क्योंकि इंसेक्ट हर हैबिटेट में मौजूद है और इसी वजह से ये सबसे कामयाब ग्रुप है आर्थ्रोपोड हैव मेड अ वैरायटी ऑफ टू टू देम ग्रो और आर्थ्रोपोर्ट के अंदर ये सलाहियत है कि उसी के अंदर रहें और ग्रो करें द इमेजिनेशन ऑफ एग्जिस और इनका एग्जोल्टन इतना अच्छा है कि वो बाकायदा उनकी बॉडी के मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है अनदर मॉडिफिकेशन क्या है कि ये जोड़ों के ऊपर भी है लेकिन वहां पर थोड़ा थिन है थिन सॉफ्ट और फ्लेक्सीबल है ताकि जॉइंट इजिली बेंड हो सके अदर मॉडिफिकेशन क्या है कि exoskeleton के अंदर इंसेक्ट के अंदर सेंसरी रिसेप्टर भी है जिनको आप सेंसिला कहते हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल एंड कीड़ों के अंदर बाकायदा सेंसरी ऑर्गन है जो कि उसके मॉडिफिकेशन एग्जोस्केल्टन की जिसकी वजह से उसके अंदर गैशियस एक्सचेंज भी होता है आर्थ्रोपोडा का एग्जोस्केल्टन उसको बचाता है एनिमी से और उसको रफ एनवायरमेंट से और उसको ड्राइंग से और एक गलती भी है उसकी वो ये है कि एनिमल इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता में और इन एनिमल को अपना एग्जिसन उतारना पड़ता है हर कुछ टाइम के बाद और इसको कहते हैं मोल्टिंग की चार स्टेजेस हैं एक्डाइसिस का अमल सारा एंजाइमेटिक है एंजाइम सबसे पहले अंदरूनी हाइपोडर्मल ग्लैंड रिलीज होते हैं और वो पुरानी एंडोक्रूटिकल को खाना शुरू कर देते हैं और एक वक्त आता है कि इस डाइजेशन की बुनियाद पर हाइपोडर्मस और एग्जोस्कैल्टन सेपरेट हो जाते हैं और एग्जोस्कैल्टन टूट कर गिर जाता है और वो एंडल भी डाइजेस्ट हो जाती है और नई फिर प्रो और एपिक्यूटिकल पैदा होना शुरू हो जाती हैं और आखिर पर फिर होती है सेक्लैर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस और वो जब सख्त हो रही होती है शेल या वो जो एग्जोस्केटन है उसके दौरान क्या होता है के डेपोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की और उस वक्त जब आर्थ्रोपोड ने अपना अपनाटन उतारा हुआ होता है उस वक्त वो आर्थ्रोपोड बड़े खतरे में होता है कि उसका आ, उसका आकर शिकार कर ले तो ये सारा काम जो है ये वाला ये वाला हार्मोन के अंडर कंट्रोल है हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन ठीक है जी उसके बाद हड्डियों का मैं फंक्शन आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आपका जो स्केलेटन है उसका फंक्शन ना सिर्फ आपकी बॉडी को सपोर्ट करना है बल्कि उसके और भी फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस क्या हैं वो ये है एक तो आपकी सपोर्ट और शेप देना आपकी बॉडी को आपकी स्केल्टल सिस्टम का काम है उसके अलावा आपको प्रोटेक्शन देना आपकी इसका काम है आपके ब्रेन को, को आपके स्पाइनल कॉर्ड को आपके लंग्स को आपके हार्ट को उसके अलावा आपकी मूवमेंट कराना इसका काम है उसके अलावा आपकी बॉडी में मिनरल्स का बैलेंस रखना आपकी हड्डियां कैल्शियम रखती हैं फास्फोरस रखती हैं सोडियम रखती हैं पोटाशियम रखती हैं और वो बाकायदा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जब भी जरूरत पड़ती है तो आपकी बॉडी में उस जगह पर मिनरल पहुंचते भी हैं और आपकी हड्डियों का काम ब्लड सेल प्रोड्यूस करना भी है रेड और व्हाइट ब्लड सेल आपके बोन मैरो में पैदा होते हैं अः बोन मैरो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी हड्डियों के अंदर पाया जाता है एंडोस्केल्टन का आपको पता है ये अंदरूनी ढांचे को कहते हैं जो कि ज्यादातर मैमल्स में होता है जिसमें बोन्स और कार्टिलेज होती है

हम फिर एफएससी के किसी और चैप्टर पे आएंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़